दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो SBI की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्लर्क पद के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है जो कि रिसेंटली में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई। इसमें टोटल यहाँ पे जो सीटें यहाँ पे जो है 5,100 के बीच में यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की नोटिफिकेशंस आएगी तो सबसे पहले आपको यहां पे मिल जाया करेगी। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई होगी तो उसमें आपको जाना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे कि जो करियर की ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रही होगी, इसमें आप जाकर जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की अगर आप इसको डिटेल्स लेना चाहें तो आप करियर के ऑप्शन में जाकर जो है ले सकते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे कि जो यहां पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहां पे ओपन हो चुके हैं जो SBI के द्वारा यहां पे जो है जूनियर एसोसिएट के जो रिक्रूटमेंट यहां पे निकाली गई है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते होंगे तो उस स्टेट से जो है आपकी लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर किस कैटेगरी में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है आरक्षित की गई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशंस की गई है। तो लाइक दैट यहाँ पे देख पाओ कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप जो है कर्नाटका बेंगलोर से बिलोंग करते होंगे तो उनको यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पर आनी चाहिए। टोटल यहाँ पर गुजरात के लिए यहाँ पर जो है 902 सीटें यहाँ पर रखी गई है, कर्नाटका के लिए जो है आपको 400 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के लिए टोटल आपको यहाँ पे 120 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल के लिए जो है 273 सीटें हैं। तो ये सब अगर आप किसी भी स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो है आपका यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार कैटेगरी के अनुसार भी यहाँ पे जो है देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे जो है आज SBI के द्वारा यहाँ पे जो है रिसेंटली में यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे टोटल जो है 5,121 के लगभग जो है आपका टोटल सीटें यहाँ पर जो है SBI के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। तो इसमें कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से अगर आप कर रखे होंगे, अगर ग्रेजुएशन कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है तो न्यूनतम आपको यहाँ पे 20 साल यहाँ पे रखी गई है एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो है 28 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। तो आपका अगर एज जो है 20 से 28 के बीच में होगा तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर जो है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर दी जाती है तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए ले सकती हैं अगर आप इसमें प्रियोरिटी में अगर आप आते होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी सिलेबस की बात कर लें तो जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो सिलेक्शंस की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है तो फर्स्ट में जो है आपका प्री एग्ज़ाम होगी जिसमें कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है आपको यहाँ पे 100 मार्क्स के जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो है 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे एंड रीजनल एबिलिटी में जो है 35 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर जो है ओनली फॉर जो प्री एग्ज़ाम के लिए जो है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट से जो है आपको 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, 30 एंड 35 क्वेश्चंस आपको इस से आपको यहाँ पे रहेंगे। आपको जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी प्री एग्जाम के लिए जो है आपको 1 आवर्स की यहाँ पे जो है आपको ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे मेन एग्जाम्स की बात करें तो जो मेन एग्जाम आपको होने वाली है तो यहाँ पे जो मेन एग्जाम आपका होगी इसमें आपको जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के एंड जनरल इंग्लिश से जो आपका 40 मार्क्स के रहेंगे 40 क्वेश्चन से एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के एंड रीजनिंग एबिलिटी या एंड जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो है आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 190 जो है आपका प्री मेंस एग्जाम में आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। मेंस एग्जाम जो है आपको यहाँ पे 200 मार्क्स के आपको यहाँ पे होने वाली है। इसमें जो आपको टाइम आपको दी जाएगी 2 घंटा 40 मिनट जो है आपको यहाँ पे ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट अगर आप SBI में इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो है 19,900 रुपये के बीच में जो है आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा भी जो है अदर बेनिफिट जो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी प्री एग्ज़ाम के जो आपका सेंटर आपको होने वाली है तो कौन कौन से जगह में जो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशंस आपको यहाँ पे ली जाएगी, जो SBI के द्वारा जो सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो जो भी आपका जो नज़दीकी सिटीज़ होगा जो आप स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइक दैट यहाँ पर आप बिहार से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये जो है आरा, औरंगाबाद,
भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एंड पूर्णिया, ये सब जो है आपका सिटीज़ दे गए हैं। इसमें जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो है आपको होने वाली है। अगर आप झारखंड से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप जो है बोकारो स्टील सिटी आपका नज़दीकी होगा, या फिर धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, या फिर रांची, तो इनमें से किसी भी स्टेट को जो है जो सिटीज़ यहाँ पे दे गए हैं, ये सब में जो है चूज़ करके जो है आप अगर अपना जो भी नज़दीक होगा तो अपना जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आप कर रखे होंगे, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो रखी गई है इस फॉर्म की, जो आज 27 अप्रैल यहाँ जो है इसकी भरने की स्टार्टिंग डेट या फिर पेमेंट करने की डेट यहाँ पे सेम डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट यहाँ पे जो है पेमेंट करने की या फिर जो है इस फॉर्म को भरने की, जो लास्ट डेट आपका 17 मई 2021 यहाँ पे जो रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप SBI में करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो 17 मई से जो पहले जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार की अगर एडिटिंग अगर करना है, अगर आपको फॉर्म भरने टाइम किसी भी प्रकार की अगर आप जो है मिस्टेक कर देते हैं, तो जो है 17 मई तक जो है आप एडिट करके जो है इसका एप्लीकेशन को जो है आप भर सकते हैं। जो प्रिंटिंग करने के जो एप्लीकेशन के जो आपका लास्ट डेट रखी गई है 1/6/2021 जो है इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो प्री एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होगा, जो आपका जून में जो है आपका यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे जो SBI की जो आपका प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होने वाली है जून 2021 में होगी। एंड जो मेन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट आपको रखी गई है 31/7/2021 जो है इसका यहाँ पे जो है एग्जाम मेन एग्जाम के होने की डेट यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप कि यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिफिकेशन आएगी, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर मिल जाए करके। तो चैनल को ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें।